मैंने भाजपा को वोट दिया था इसलिए मैंने मारपीट खाई। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद ऐसी ऐसी खबरें आ रही है जिसे सुन करके आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार अब किस तरह के झगड़े होने लगे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर से एक खबर आ रही है कि समीना नाम की मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट दिया था और इस बात को लेकर के उसके घर में हो गई लड़ाई और नतीजा ये हुआ कि जो जावेद खान उसका देवर है उसने जो है उनकी कर दी पिटाई। बबलू खान पति का नाम है, अब ये मामला पकड़ गया है तूल। समीना जा करके सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिली है और कहा है कि आप हैं मेरे भैया, अब बताइए कि मेरे साथ न्याय कैसे होगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिल करके गुहार लगा रही है। मैंने भाजपा को वोट दिया था इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट, को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। क्या किया आपने? उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने। फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं उनकी फिक्र करूंगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। देखा आपने, देखिए ऐसी खबरें पहले भी आती रही है। एक घर में यदि 5 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं तो उनके राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है और ऐसा भी आपने सुना होगा और देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि अलग अलग दलों को लोग एक ही परिवार के अलग अलग वोट डालते हैं। यहाँ तक कि एक ही घर में कई पार्टियों के नेता भी होते हैं, कोई कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है, कोई बीजेपी से, कोई सपा से, कोई बसपा से, ऐसी पार्टियों से ताल्लुक़ लोग रखते हैं और अलग अलग वोट करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो समीना का मामला सामने आया है उसमें तो उनकी पिटाई की गई और इतने से ही बात नहीं हुई है। समीना इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, हक है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के बारे में माना यह जाता है कि उन्होंने लाडली बहना योजना जो चलाई है अभी उसके तहत 1250 रुपये पर मंथ महिला को मिलता है और इसे बढ़ा करके उन्होंने 3000 करने का ऐलान किया था। चुनाव से पहले, दीपावली से पहले जो उन्होंने बढ़ाया था उसमें से 250 रुपये रिलीज कर दिया था। तो जो जीत मिली है 163-164 सीटों तक जो बीजेपी पहुंची है उसमें लाडली बहना योजना का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है। और ये जो घटना हुई है समीना वाली, ये इस बात की पुष्टि कर रही है कि महिलाओं में मामा का या भाई का क्रेज है, लेकिन सभी परिवार, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है और उन लोगों ने कर दी पिटाई। अब वो पहुंच गई हैं मुख्यमंत्री के पास। आज के डेट में कार्यवाहक ही सही, शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री हैं और निश्चित रूप से इस मामले में एक्शन होगा। अब देखते हैं कि इसको लेकर के क्या अपडेट आता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।